आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। रियासत नगर के इलाके में रहने वाली एक खातून जिसका नाम नूर जहां बेगम सीमा है, इन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि इनके कब्रिस्तान को कुछ गैर समाजी अनासिर की जानिब से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और इनके साथ वो लोग आकर गाली गलौज करते हैं। और इनका कहना है कि संतोष नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। मेरा ये कब्रिस्तान कई बरसों से है, मेरे पापा, मम्मी, हमारे भाई सब लोग ये कब्रिस्तान में रहते हैं। कहाँ है कब्रिस्तान? हमारे घर के बाजू। किधर एरिया? रियासत नगर जी। आके जो सो हर जब भी मैयत होती है लोग आके मेरे से लड़ते मारम तोड़ी करते। मैं जब भी PS को जाती हूँ मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो लोग आते मेरे से लड़ते गाली गलौज करते चले जाते। मैं आखिरी लास्ट टाइम भी मैं FIR करी मगर संतोष नगर PS वाले मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं दिए। लास्ट ट्यूजडे जो सब फिर वो लोग आके मेरे को झगड़ा करे कब्रिस्तान में आके खुफल डाल के नाजायज चले गए। अब जो है अब हमारे खिलाफ ये बोल रहे हैं कि आप कब्रिस्तान में आना नहीं, अगर आएंगे तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? हाँ संतोष नगर PS वाले जी। आप पुलिस पूछे ना पुलिस से कब्रिस्तान हमारा है, कितने साल से आप लोग हैं कब्रिस्तान? हमारे पास हम 50 साल से है, मैं जब से मैं पैदा हुई मैं ये कब्रिस्तान देखती हूँ जी। हाँ तो बोले आप ये बात PS में? हाँ संतोष नगर PS में सबको बोली मैं, हमारे पापा हमारे मम्मी सब हमारे कब्रिस्तान में थे हमारे। ये कब से कब्रिस्तान में कंप्लेंट करा रहे हैं आप? 2007 से करा रही हूँ मैं, पूरे पेपर भी है FIR भी है। 2022 में मैं FIR कराई मगर उसका भी कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। और जो सो कोर्ट से नोटिस आई बोले जजमेंट आया बोले और जो सो ऑर्डर आया बोले वो भी फेक है, पूरा धोखे से जो सो PS में जो सो पैसे खा के मेरे को गाली गलौज करके बाहर कर दिया। आपको बताए जजमेंट कॉपी? हाँ जज का हाँ जजमेंट कॉपी मेरे को बताए, मैं वकील को भी बताई कि ये सब गलत है नोटिस। हाँ बोले कोई जजमेंट नहीं है और कोई ऑर्डर नहीं है। आपको जो बताया जजमेंट कॉपी थी, नोटिस थी? नोटिस थी मेरे को, जो कॉपी बताया वो मेरे को नोटिस थी। आप नहीं पूछे फिर PS में? ये नहीं मैं PS में गए तो मेरे को केस कर देते बोले। बोले सर्कल बोले कौन से PS के? संतोष नगर PS के सर्कल। कौन है आप क्या रहे हैं? यूसुफुल्ला। कौन है? मोगलपुरे में रहते हैं। आप कुछ उनका रिलेटिव? नहीं कुछ भी रिलेटिव नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। कब से आपको डिस्टर्ब कर रहे हो? 2007 से कर रहे हैं। ये कितने जमीन के असर लोग आ रहे हैं? अब उन लोगों का क्या बोल रहे हैं, है 600 गज जमीन मगर हमारी अंदर 200 गज की जमीन है बोल रहे, मगर वो 200 गज पे भी जो है खबरा है। 200 गज के उनके पास पेपर है? वो पेपर नहीं बता रहे लोग, वो पेपर्स नहीं बता रहे हमारे को शो नहीं कर। हाँ मेरे पास में है पेपर, ये है ये पेपर है 94 के है। नहीं ये कब्रिस्तान के है, ये वक्फ में है। मैं 2007 में मैं औकाफ में दे दी, औकाफ वाले आके 2007 में बाउंड्री वॉल भी उठाए, GHMC की गेट भी लगाए उसके। नहीं वो पता नहीं है। बस्ती वालों के नहीं नहीं बस्ती वालों के लिए भी है, मैं गरीबों के लिए भी देती हूँ जी। खाली आपका पर्सनल और मैं कब्रिस्तान को मैं कब्रिस्तान ही रखना चाह रही हूँ, कोई घर कोई मल गया कोई महल नहीं बनाना चाह रही हूँ। अगर कल के दिन कोई गरीब भी आया तो मैं जगह दूंगी। उन लोग क्या बोल रहे हैं? उन लोग नहीं वो हमारा कब्रिस्तान है। आप कौन होते बोलने वाले? आप कौन होते बोलने वाले? कब्रिस्तान हमारा है। नहीं मैं फ्री देती हूँ, फ्री देती हूँ, अगर हुआ तो पैसे भी देती हूँ मैं किसी को। कब्रिस्तान में आपके कोई रिश्तेदार है? पूरे रिश्तेदार हमारे वही कब्रिस्तान में है। 30 साल 40 साल पहले के भी खबर है उसमें। और जो सो मैं स्ट्रीट लाइट भी लगाती हूँ उसकी कॉपी भी है मेरे कने। अब देखभाल कौन कर रहे हैं? वो मैं ही करती हूँ देखभाल ही, पूरी सफाई हर महीना 1200 रुपए दे के मैं बच्चे से मैं कब्रिस्तान सफाई कराती हूँ। अब लॉक कौन कर रहे? अब लॉक जो सो अगेंस्ट पार्टी वाले यूसुफुल्ला डाल दिए। अब उनको अगर जरूरत रहेगी तो उन्होंने खुफल खोलते खोल के चले जाते। हम जाना है तो कैसा जाना? अगर अंदर गए तो मेरे पे केस करते बोले सर्कल साहब PS के संतोष नगर PS के। हाँ कब्रिस्तान पे गए तो केस करते। मैं बोली मैं खबरों पे मैं जा रही हूँ, कोई किसी के प्रॉपर्टी के अंदर नहीं घुस रही हूँ बोली मैं। हाँ अब आपको खबरों में जारा करने में जाना? नहीं 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 अंदर जाना ही नहीं बोल दिया, लिख के दे देना तुम अंदर कब्रिस्तान में नहीं जाना बोल के लिख के दे दो तुम, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस कर देते। जा निकलो यहाँ से।
आपका कहना है कि पुलिस की तरफ जाने से पुलिस मेरे को संतोष नगर पीएस के कोई कभी मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत अब तो लास्ट टाइम जब मैं वेनेसडे गई मेरे को सर्कल तो घटिया रेस्पॉन्स दिए हुए है। वक्फ बोर्ड में मैं कल ही कंप्लेन करी। मैं हमेशा मैं वक्फ बोर्ड में मैं जाके अपील करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। मैं अभी कल भी करी थी, वो लोग बोले मंडे एक्शन लेंगे बोले इसका। अभी कोर्ट में कब से चल रहा है? कोर्ट में तो 94 से चल रहा था, हमारे पापा मम्मी जिंदा थे जब से चल रहा। हाँ जब से चल रहा था। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं यही चाह रही हूँ कि खबरस्तान ही रहना, और हर किसी का अगर कोई गरीब मरा तो बराबर आना, तदफीन होना, ना मैं रोकना ना अगेंस्ट पार्टी वाले रोकना, और किसी की भी होना तब्दील होना बस जो कोई भी लफ्जे आप रहो, आपके लोग आ रहो या मेरे लोग आ रहो या अगेंस्ट पार्टी के भी लोग आ रहो, उन लोग भी आके तदफीन कर सकते। मगर अब हम अंदर नहीं जाना, बताओ फिर अब हम कैसा जाना अंदर? हम खबरों पे जियारत कैसा करना? हमारे लोग आके चले गए दो दिन से। अंदर जगह है कुछ बची हुई? अंदर है जगह। कितने डॉक्टर होते होंगे वहाँ पे? होते 100-200 लोग। इससे पहले भी कभी लॉक था? नहीं नहीं, इससे पहले कभी लॉक नहीं। मेरे कने चाबी रहती, मैं लॉक डालती हूँ, मगर लोग आके मेरे से चाबी लेके फूल चढ़ा के फिर मेरे को चाबी दे के चले जाते थे। पुलिस का पिछले साल सालों से भी कुछ ऐसे कंप्लेंट्स हो रही है? नहीं नहीं, 2007 से हो रहे, 2007 से हो रहे। जब भी मेरे घरे हमारे खानदान में मैयत आती हमेशा यही झगड़ा होता। किसका इंतकाल होने के बाद में से हुआ ये? हमारे भाई के। क्या नाम था? फारूक अली खान। ये तो परसों मैयत आई थी। हाँ हाँ, ये अब वो वेनेसडे जो सा ऐसी कोई गरीब बच्चा मर गया था उसके लिए मैं जगह दे रही थी। तुम कौन होते देने वाले? हमारा खबरस्तान है बोले, तुम कौन होते देने वाले? रोको बोले, ये हमारा ऑर्डर आ गया, कोर्ट से जजमेंट आ गया, अब बोले हमारे फेवर में होगा। अब तुम अंदर जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर केस होएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पत्थरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्थरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूरिनरी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।